वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और चूंकि आपको पता है कि जब मैं अक्सर कहानी अपनी शेयर करती हूँ कि जब मैं ट्रेवल कर रही थी तो सबसे ज़्यादा मुझे खाने पीने का मसला होता था कि आपको हलाल खाना कहाँ मिलेगा, लोकेशन कितनी दूर है। और अगर आप ये सोच रहे हो, आप ढूंढ रहे हैं गूगल मैप पे, गूगल पे जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड अगर आपके पास ऐसी एप्लीकेशन हो जो आपके फ़ोन में डाउनलोडेड हो और आपको पता लग जाए कि आपकी लोकेशन से कितने दूर हलाल रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स इस ऐप में हैं और इस ऐप को बनाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। हमें ज्वाइन किया है उमेर खान ने, जिन्होंने बेसिकली लाइफस्टाइल ऐप बनाई है फॉर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इनका मामला है। सलाम के नाम से ऐप है, इनको हम वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो उमेर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक उमेर। अभी मैं आपकी एप्लीकेशन के हवाले से डेफिनेटली आपसे पूछूंगी जनाब। उसके साथ साथ हमें दो और मेहमानों ने भी ज्वाइन किया है, चूँकि ऑनलाइन जो है बहुत सारी खवातीन घर में बैठे बेकिंग का काम कर रही हैं और बड़े ज़बरदस्त केक्स बनाते हैं। आप परेशान हो जाते हैं कि इतनी सुगढ़ खवातीन दुनिया में मौजूद है, मेरे जैसे की तो और भी ज़्यादा फील होता है। अच्छा जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं नील हैदर और फरियाल असद, दोनों को हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बताएँ कि सबसे पहले क्या ख्याल आता है और इतनी सुगढ़ कैसे हैं आप दोनों की इतना प्यारे प्यारे केक्स आप बना लीजिए। जनाब कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो आगे हमारे टेबल पे केक पड़े हैं इनके जरूर दिखाएं। सबसे फरियाल आपसे जानना चाहूंगी, शौक से शुरू हुआ था, आई एंजॉयड बेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर देन वी जॉइंड अ कोर्स, हम साथ थे तब शुरू में कस्टमाइज केक्स का, वहाँ से शौक डेवलप हुआ। प्लस साथ होके आपको ज्यादा शौक होता है, ये पंप ईच अदर आपके, हम अच्छा चलो अब ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो वी स्टार्टेड ट्राइंग स्टफ टुगेदर के हम कैसे नई नई चीजें ट्राई करें। सही बात है, अब प्रिसिजन्स इन क्वांटिटीज और बहुत टेक्निक से करना शुरू शुरू में लगता है कि मुश्किल है। ठीक है, अच्छा आपकी जानिब आएंगे नील, आपको कैसे शौक था हमेशा से बेकिंग का? मुझे हमेशा से शौक रहा है कुछ भी क्रिएटिव करने का। लवली लवली, मुझे आर्ट हमेशा अट्रैक्ट किया है। सही, तो मुझे केक्स को लेके एक डायरेक्शन मिल गई कि मुझे इस तरफ आना है। हाँ, लवली। स्टार्ट किया तो एक अच्छा फीडबैक आया और उसके बाद फिर करते ही चले गए, शुरू किया तो एप्रिसिएशन भी मिली और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनकम भी अच्छी हुई। तो क्या किस नाम से आप लोगों का ये जो आप केक डिजाइन करते हैं कस्टमाइज ऑनलाइन? मेरा तो स्वीट चैटर्स के नाम से है। स्वीट चैटर्स जी। ओके, और आपका? शुगर बुके। शुगर बुके, लवली जनाब। ऑनलाइन आप लोग ये काम करें? ऑनलाइन काम। मजीद भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे और मैं आपकी जानिब आऊंगी। सबसे पहले तो अपनी एप्लीकेशन का नाम और इसके हवाले से हमें बताएं। एप्लीकेशन का नाम है सलाम प्लैनेट। सलाम प्लैनेट, ओके। इट्स अ लाइफस्टाइल ऐप फॉर मुस्लिम्स। लाइफस्टाइल ऐप फॉर मुस्लिम्स, ओके। एक्जेक्टली। और जो हमने कोशिश करी, जैसे आपने शुरू में मेंशन किया था कि इसमें जो फूड का जो सेक्शन है, बीइंग अ मुस्लिम हमें खाना बहुत पसंद है, एंड लिविंग इन वेस्टर्न कंट्रीज आपको हलाल खाने का बहुत मसला होता है बहुत ज्यादा, तो आपका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। मुझे भी सेम इशू थे जब मैं ट्रैवल कर रहा था। Because you are from Denmark, right? I'm from Denmark, yes, exactly. And I was working as a product manager. और मेरा काफी नॉर्डिक्स कंट्रीज में, स्वीडन, नॉर्वे और यूके में भी काफी ट्रैवल होता था, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा मसला पड़ता था कि मीटिंग्स के बाद खाना है, आप किधर जाएं? कोई मिलता नहीं था, और जब मिलता भी था तो पता नहीं था कि इसका टेस्ट कैसा होगा। तो वहाँ से आइडिया चला कि यार कोई चीज हमें बनानी चाहिए जो इजी हो जाए। तो कुछ दोस्तों से बात की जिनको भी सेम इश्यूज थी, वो भी ट्रैवल काफी कर रहे थे, और विद इन डेनमार्क वी हैड द सेम इश्यू कि किधर खाना मिलेगा। अब तो काफी बेहतर हो गया, लेकिन इन द बिगिनिंग इट वाज रियली रियली हार्ड। तो हमने जब डिस्कशन करनी शुरू की तो हमने देखा कि कुछ ऐप थी, लेकिन आपको बेशुमार मुख्तलिफ ऐप्स मिलती थी, लाइक कोई आपको क्या वो दे रहा था, नमाज टाइमिंग दे रहा था, कोई आपको किबला डायरेक्शन दे रहा था, कोई फूड का दे रहा था, बट वी कुडंट फाइंड वन ऐप जिसमें सारे ये फीचर्स हों। तो तब हमने ये आइडिया दिया कि यार हम एक ही ऐप में ये सारी फीचर्स क्यों नहीं डालते। तो उसके बाद फिर हमारा ये जो इस्लाम प्लैनेट का जो आइडिया बॉर्न हुआ, उसके साथ साथ फिर हमें एक बेंचमार्क भी मिल गया, चाइना में एक वीचैट है, ऐप सुना होगा आपने, उसमें भी दे कवर एवरीथिंग इन वन ऐप। तो मैंने कहा जब उन्होंने कह चुके हैं तो वी शुड बी आल्सो बी एबल टू डू दैट। तो हमने वो फिर आइडिया फिर हमने ग्रूम करने शुरू किया, उसको प्लानिंग की, हमें क्या ये डेवलपमेंट शुरू किया। डेवलपमेंट हमारी लाहौर में हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानना चाह रही हूँ कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी और ये सारा कुछ है कि डेवलपमेंट अगर यहाँ हो रही है उसको यूटिलाइज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड किया जा रहा है। डेफिनेटली, एंड हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो तो काफी वेल एजुकेटेड है, एंड
एंड जो हम बना रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह विद विद। अच्छा उमेर, मैं जानना चाहूंगी कितने अरसे से ये एप्लीकेशन वर्किंग में है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं बेसिकली। हमने जो पहला जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है वो हमने लॉन्च किया था बिगिनिंग मिड एंड ऑफ 2017 डेनमार्क में लॉन्च किया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे अब बीइंग अ ग्लोबल मुस्लिम ऐप तो हमें सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज को नहीं फोकस करना था, वी ऑल्सो नीड टू हैव मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज एंड दैट्स पाकिस्तान एज एन एग्जाम्पल। तो हमने लाहौर में लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में हमने लॉन्च किया एज अ सॉफ्ट लॉन्च। ओके परफेक्ट। और हमें जो फीडबैक मिला है अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी नाइस, क्योंकि आपको सिर्फ हलाल की नहीं आपको फूड की जरूरत है। और इवन कि आप यहाँ पर भी जब जाते हैं तो आप देखते हैं यार इतनी जगह हमने जाना है खाने के लिए तो किधर मैं जाऊँगा, और आप फिर रिकमेंडेशंस लेते हैं अपने फ्रेंड्स से, रेटिंग्स लेते हैं। तो वन ऑफ द फीचर इन द ऐप इज ऑल्सो रेटिंग एंड अगर आपके जो फैमिलीज हैं जो फ्रेंड्स हैं अगर उसमें आपको रेटिंग करते हैं तो आपको देख सकते हैं कि अच्छा कौन मेरा दोस्त है किधर जा चुका है तो मैं उसके वहाँ उसकी बुनियाद पर उसकी रेटिंग पे मैं वहाँ पे जाके खाना खा लूंगा। सो इफ यू हैव चॉइसेस बिटवीन 10 डिफरेंट रेस्टोरेंट्स तो यू परफेक्ट प्रेफर द वन दैट हैज द हाईएस्ट रेटिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स। तो वो फिर वहाँ से काम शुरू हुआ। उसके बाद फिर हमने कॉम्पिटिशन डाली हुई हैं ऐप के अंदर, सो तो आप इंगेजमेंट इंक्रीज करने के लिए हमारे काफ़ी अलहमदिल्ला काफ़ी पार्टिसिपेशन होती हैं और वहाँ पे आप प्राइस एक्सटेंड प्राइस जीत सकते हैं। हमने डिस्काउंट की ऑप्शन डाली हुई है विदिन द मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज एज वेल। सो आइडिया ये है कि हमने ऐप को इतना फ्लेक्सीबल बनाना है कि It covers all the Muslim lifestyle, even if you are in a Muslim majority country. Lovely, lovely. और ये App Store और Play Store दोनों पे available exactly. है. Yes. Okay, Islamic Planet के नाम से मेरे फोन में Sorry to interrupt you. Salam Planet. Salam Planet. Yes. Sorry, Salam Planet के नाम से जनाब आप इसको मेरे फोन में तो ये definitely आने वाली है. अच्छा फ़याज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी शुरू होके इस्लाम से आप चला रहे हो तो कितना अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों में मेरे ख्याल से अब तो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया Obviously, if a business is booming, तो everybody wants in. Because it's easier के मतलब for everybody के आप entrepreneurship कर लो, आप अपने घर में बैठे हुए हो, your life is going on, ज़्यादा चीज़ें नहीं disturb हो रही हैं, you're still working. तो अच्छा इस feedback मिला इस अच्छा feedback मिलता है माशाल्लाह. नील समझाएंगे किस तरह के orders आते हैं और कुछ ऐसी भी शुरू शुरू जब आगाज किया तो कुछ blunders भी हो जाते हैं. आपसे कोई ऐसा blunder हुआ कि कोई order जाना था और उस पर कुछ खराबी हो गई और उसको मैनेज किया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ और आप दुआ कीजिए कि दोबारा ऐसा कभी हम भी बिल्कुल ऐसा कभी शुरू शुरू में होता है क्योंकि हमारे साथ अक्सर डिजाइन आते हैं जैसे हाँ कभी कभी पे का दफा शुरू में हुआ फिर उसको मैनेज हो जाता है किसी न किसी तरह. हमने आखिरी वक्त तक कोशिश करके मैनेज कर लिया, मे बी हो जाता लेकिन ऐसा हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं सर की बात को लेके कंटिन्यू करना चाहूंगी कि जैसे वो जिक्र कर रहे थे कि रेटिंग बहुत कंट्रीब्यूट करती है आपके किसी भी बिजनेस या किसी भी जैसे उनकी एक ऐप है तो लेकर ये वर्ड ऑफ माउथ ही होता है कि आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप कितनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट कितनी वैल्यूएबल है कि वो हम जैसे हम फैमिली के साथ शेयर करते हैं फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं तो वो किस हद तक अच्छी है कि आप दोबारा उसको ट्राई करें. अब तो इतने फेसबुक फोरम्स हैं ग्रुप्स हैं जहाँ पर लोग जाते हैं रिकमेंडेशंस मांगते हैं और लोग फॉरन से टैग करके बता देते हैं किसी का अच्छा एक्सपीरियंस है किसी का बुरा है वो फॉरन मेंशन कर देता है क्योंकि सोशल मीडिया ने जहाँ आसानी किया वहाँ काफी मुश्किल भी कर बुरे को ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा. दैट्स गुड कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा है फीडबैक अच्छा है तो ये आपके बिजनेस के लिए भी ग्रो करने में भी आसानी. फिर मैंने जो भी नील से सवाल किया कि शुरू में कभी कभी बंदी से ब्लंडर हो जाता है क्या कर दिया कि वो पत्थर बन गए. हमारे पास एक दूसरे की सपोर्ट होती है डिस्कस कर लेते हैं. हमने बेकिंग की ली नहीं है क्लासेस हमने बेकिंग की quite easy for you के इसको manage कर लिया जाए. And luckily हमें had the best teacher बहुत in the world. Exactly. That's nice. We actually had the best teacher in the world. उन्होंने हमें बहुत सिखाया और बहुत इस तरह से सिखाया कि हमें कभी problem नहीं आई errors नहीं आए उन चीजों में. कौथम में हमारे सर थे. ओके ओके ओके. सर अब्दुल रज़ाक उनका नाम है. सही सही. ये जो जेम ऑफ़ पर्सन. ओह दैट्स नाइस दैट्स नाइस. अच्छा
मैं अभी हम बात कर रहे थे फीचर्स की, सम थिंग्स बहुत सारे लोग जो है रिकमेंडेशन फीचर्स ये सारी चीज़ें जो है एक ऐप में मिलना मुश्किल होता है, अगर मिल भी रही हैं इसको इजी बनाने के लिए पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कुछ डेफिनेटली हेल्प या सपोर्ट के फीचर होगा, उस हवाले से भी हमें थोड़ा बताएं। हमने काफ़ी यूज़र फ्रेंडलीनेस करने की कोशिश की और जैसे सॉफ्ट लॉन्च का यही फ़ायदा होता है कि आपको यूज़र से फीडबैक मिलता है और एक वन ऑफ द थिंग्स कि आपको जो बैड के रिकमेंडेशंस जो रेटिंग्स जो मिलती है जब आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली करते हैं तो दे टेंड टू बी वेरी मच ऑनेस्ट क्योंकि वो आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं और इस ऐप में यही है, यही मेन फीचर है कि आपको ऑनेस्टली जो आपकी फैमिली है वो आपको के रेटिंग्स मिलती है। आप दूसरी आप देख सकती हैं लेकिन आप ये पहले देखें कि यार मेरे फ्रेंड्स ने या मेरी फैमिली ने क्या रेटिंग दी है। उसके अलावा हमने जो एंटरटेनमेंट की डाली हुई है जो आपकी जो फेमस व्लॉगर्स हैं मुस्लिम व्लॉगर्स वो सारी आपकी एक ही जगह आपकी उनकी अवेलेबिलिटी है, आपकी उनकी यूट्यूब वीडियो देख सकती हैं जब उनकी लेटेस्ट वीडियो आती है। सबको ऑन बोर्ड लेना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? एक्चुअली हम उनको मतलब कि अप्रोच करते हैं and ask their क्या नाम है acceptance, but secondly we just linking into their pages. Okay. फायदा यह है कि आप इस वक्त गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे and then you start searching for famous bloggers, कौन है, कौन मुस्लिम है, आप मतलब आपकी जो सर्च की जो होती है वो काफ़ी टाइम लग जाता है। हमारा जो मकसद है कि वो सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करना कि आपको जी ईजी एक्सेस हो जाए। अभी हम बात कर रहे थे शॉपिंग की भी बात कर रहे थे कि हमारे फीचर है शॉपिंग का जहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स अवेलेबल मिल जाएंगे, शॉपिंग ब्रांड्स इन टर्म्स ऑफ मेंस फैशन, वुमेन्स फैशन, एसेसरीज, तो आप उसमें जाके देखेंगे तो आपके सारे ब्रांड्स लिस्टेड होंगे एंड यू कैन विजिट देयर वेबसाइट इजीली। तो मकसद यह है कि आपकी इंफॉर्मेशन इजी एक्सेस करना, सो आप जब चीज़ सोचेंगे अच्छा मैंने आज शॉपिंग करने बच्चों के लिए तो वेयर शुड आई गो, तो आप आगे पीछे सर्च करेंगे किड्स वेयर एंड देन यू गेट लिस्टेड 20 डिफरेंट पेजेस और वहाँ पे फिर आप कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको सर्च करने की जरूरत है, जाएंगे अंदर ऐप के अंदर ऑप्शंस, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू कैन स्क्रॉल डाउन एंड एग्जैक्टली एंड देन यू विल हैव ऑल एंड देन यू कैन उनकी वेबसाइट होगी, उन्हीं से आप करेंगे हमने आपको लिस्ट करके यहाँ पे दे दिया। अच्छा रिस्पॉन्स कैसा था मेरिस का, क्योंकि आपने यहाँ डेनमार्क में और उसके बाद वेस्टर्न और यूरोप को टारगेट किया, तो रिस्पॉन्स कैसा है, कितने यूजर्स आपके अभी तक रजिस्टर्ड हैं या कुछ ऐसे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस शॉर्ट पीरियड टाइम में हमने तकरीबन 150,000 प्लस इंस्टॉलेशन है हमारी ऐप की, हमारी आप ऐप स्टोर में जाएंगे गूगल प्ले पे तो वी हैव मोर देन 700 रेटिंग्स और हमारी इस वक्त आउट ऑफ 5 वी हैव 4.7 सो जो फीडबैक हमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इज वेरी पॉजिटिव और अभी हम इसको पहले तो हमने टारगेटेड लाहौर के लिए किया हुआ था तो नाउ वी आर ओपनिंग अप फॉर द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान तो इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स हमारी पूरी नेशन वाइड हम इसको मार्केटिंग कैंपेन्स लाएंगे। अच्छा मैं साथ साथ डाटा सिक्योरिटी की भी बात करूंगी क्योंकि बहुत सारे जब एप्लीकेशंस की बात आती है लोग डाउनलोड करते हैं पर वो इतने श्योर नहीं होते कि उनका डाटा या फ़ोन में या ओवरऑल ऑनलाइन अगर वो कुछ है, जैसे अभी मैंने आपकी एप्लीकेशन डाउन की तो रजिस्टर विद फेसबुक आया और फेसबुक पर ऑब्वियसली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों की होती है, तो डेटा सिक्योरिटी किस हद तक आप लोगों ने रखी? हमारा सारा जो डेटा है वो है AWS पे, वो क्या है अमेजोन पे है और वो काफ़ी सिक्योर है, मतलब बड़ी कंपनीज जो जितनी भी हैं वो सारे उनको इस्तेमाल करते हैं और अमेजोन का किसने नाम सुना हुआ, सो इन टर्म्स ऑफ जो हम थर्ड पार्टी जो है किसी को देने का हम यूरोपियन यूनियन हमारा सदर है और जिसके हम GDPR के अंदर लॉ के अंदर हैं, इसका मतलब है हम किसी को आपका डेटा शेयर नहीं करा सकते, सो एवरीथिंग इज क्वाइट सेफ। और जो चीज़ हम आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन चाहिए और जिनको हमने इन्फॉर्मेशन देनी है लाइक बीइंग आपके फ्रेंड्स को देने के लिए तो वो इजी हो जाएगा और प्लस हमारी जो 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 कंटेंट होगा दैट विल बी मच मोर ट्रस्टवर्थी। अगर हम सबको एक्सेस देते हैं तो फिर वो रेटिंग का जो है वो भी स्कैम होने शुरू हो जाएगा, कोई अपनी जान के अपने कोई नंबर क्या वो एक्स्ट्रा डमी यूजर बना के रेटिंग देने शुरू कर देगा, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जरूरी है, ठीक हो गया। अच्छा जी फयाल और नील, अब मैं जानना चाहूँगी अभी तक फयाल आपने कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केक बनाया हो जो आपको लगे कि हाँ कस्टमाइज केक्स में बहुत सारी डिफरेंट डिमांड्स भी होती है, सबसे इंटरेस्टिंग आपकी आपको लगता है क्रिएशन क्या थी अब तक की? I recently did a cake for a friend's wedding and she actually helped me with that. और उसके ऊपर डोली पालकी सी बनी हुई थी पूरी और क्वेश्चन से मतलब इट वॉज एटमोसफेयर कि जैसे वो मेहंदी पे होता है एक पूरा कलर्स वो थे गोल्ड्स एंड ऑरेंजेस पिंक्स और उस तरह चीज़ें बनी थी, दैट इज़ माई रिसेंट फेवरेट। अदर देन दैट जो आप वेडिंग केक्स बनाते हो आपको बहुत पसंद? वेडिंग केक्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का, क्रिएटिविटी का, वही।
नीला आपने क्या अब तक का आपका आपको लगता है आपकी सबसे इंटरेस्टिंग क्रिएशन? एनाबेला। ओह एनाबेला। बहुत स्कैरी था, बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन जो रिजल्ट था एंड रिजल्ट बहुत अच्छा था। अच्छा, क्लाइंट की डिमांड से ज्यादा अच्छा बन गया। चलो दैट्स लकी ना। और उसके बाद एक उनकी फैमिली की पूरी चेन एक चली जो शुरू हो गए सारे। हाँ, मेरे हाँ। पास से वो कहीं नहीं जाते। बस ये यही मामला होता है कि एक बार आपने एक फैमिली मेंबर को खुश कर दिया ना, हम अपनी नानी को छेड़ते होते हैं, आपको एक डॉक्टर ने खुश कर दिया, अब पूरा घर उस डॉक्टर के पास जाएगा, चाहे उससे किसी को फाका हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ उनकी फैमिली नहीं बल्कि उनके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जैसे उन्होंने यूनिवर्सिटी में प्रमोट हुए तो उसके बाद तो माशाल्लाह फिर एक सिलसिला चलता रहा। बिल्कुल। अच्छा फयाल, और किस तरह की जो आपको लगता है टारगेट ऑडियंस है जो इस तरह के कस्टमाइज केक्स है इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है? मैं बारी बारी पूछूंगी, फयाल आपसे पूछूंगी। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ तो सबसे ज्यादा होता था कि वो मेरे एज ग्रुप मतलब यूथ कर लेती थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग लोग और इस टाइप के सबसे ज्यादा। इट स्टार्टेड ऑफ विद दैट, बट एज टाइम पास्ड अवे ट्रेंड ज्यादा बढ़ता गया तो आई गेट ऑर्डर्स फ्रॉम मदर्स, उनके फर्स्ट वन ईयर ओल्ड की बर्थडे है, एनिवर्सरीज हैं रिसेंट, क्योंकि अब जिनकी शादियां हो रही हैं उनकी फिर एनिवर्सरीज आ रही हैं, और वो बच्चों की बर्थडे, मतलब बच्चे छोटे छोटे हैं लेकिन दे वांट टू डू इट, तो वो मदर्स पेरेंट्स वो बहुत ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं उसके लिए। तो राइट नाउ इट इज़ एवरीबडी फ्रॉम 18 टू 40 45 इट इज़ एवरीबडी। रिसेंटली मैंने अभी एक केक बनाया, वो था जैसे कि एक एक हस्बैंड प्लान कर रहे थे बेबी शावर के लिए, लेकिन बेबी सेकंड डे ही डिलीवर हो गया जब उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। तो उन्होंने उसको इस तरह से चेंज किया ऑर्डर को कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो अपनी वाइफ को पैम्पर करने के लिए वेलकम होम में वाले उसको, तो उसमें एक लेडी है बैठी हुई है और उनकी गोद में बेबी है, और बहुत क्यूट केक है। अभी तक मैं टाइम नहीं मिल सका पोस्ट करने का, इंशाल्लाह मेरे पेज में आप कुछ दिन बाद देखेंगी। तो मुझे ये बहुत अच्छा चेंज लगा कि आप अपने प्यारों को ग्रीट करने के लिए थोड़ा अच्छा फील करवाने के लिए। सेलिब्रेशंस के मौके वैसे ही हमारे पास बहुत कम होते हैं, तो छोटे छोटे जेस्चर हैं जो हमें ट्रैक करते हैं। मैंने उनको ऑफर की कि मैं उनका रिफंड कर देती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, आप रखें अपने पास, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या प्लान करना है। लवली लवली, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फयाल, थैंक यू नील, बहुत शुक्रिया उमेर आपका भी। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह से अच्छे अच्छे केक बनाते रहें। अच्छा जनाब, हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर के नाम से, और इनके अगर आप कुछ चाहते हैं कि हम अपने शो में एडिशन करें तो हमें जरूर इन्फॉर्म करें, हमारी सोशल मीडिया टीम एक्टिव है, आपसे रब्ता भी करेगी। और इसके अलावा अगर आज का शो आपने मिस किया तो शाम 5 बजे और रात 1 बजे रिपीट भी होगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।